दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं दो पेनी शेयर्स के बारे में जिसका नाम है एफसीएस सॉफ्टवेयर और साथ ही साथ सूरत टेक्सटाइल लिमिटेड के बारे में। दोनों कंपनियों के रिसेंटली फाइनेंशियल रिजल्ट निकल कर आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं एफसीएस सॉफ्टवेयर के बारे में, जहां पर आप देख सकते हैं 11 फरवरी 2022 कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट की तरफ ही लेकर चलता हूं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को हम एनालिसिस करने वाले हैं। सारे फिगर्स रुपीस इन लैक्स में हैं। सबसे पहले आपको दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिलेगा, देन लास्ट क्वार्टर टू का, सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट, देन लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल रेवेन्यू के बारे में। जो एफसीएस सॉफ्टवेयर ने क्वार्टर थ्री के अंदर टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है वो है 859 रुपीज इन लैक्स का, यानी कि अगर मैं इसे करोड़ में कन्वर्ट करूं तो 85 करोड़ रुपए का कंपनी ने टोटल रेवेन्यू क्वार्टर थ्री के अंदर जनरेट किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में हमें 85 यानी कि 85 करोड़ रुपए का ही देखने को मिल रहा था, लेकिन लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री में 94 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर मामूली सा इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी लास्ट टाइम भी हमें लॉस में देखने को मिली थी और इस टाइम भी हमें लॉस में ही देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड डिक्लेयर किया है, या यूं कहूँ कि लॉस फॉर द पीरियड जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो 5,59,00,000 रुपये का डिक्लेयर किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में हमें 1,95,00,000 रुपये का देखने को मिल रहा था। यानी कि कंपनी अब काफ़ी बड़े लॉस में आते हुए हमें देखने को मिल रही है। तो पेनी शेयर्स के अंदर हमेशा से यही रिस्क होती है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होती है, जिस कारण से यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं और पूरी कैपिटल को बर्बाद कर देते हैं। सेम एग्जांपल अब आपको एफसीएस सॉफ्टवेयर के अंदर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा वीक हमें देखने को मिल रही है और जिस प्रकार के क्वार्टर थ्री के नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, मंडे के दिन अगेन आपको इस शेयर्स के अंदर लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल सकते हैं। बात करें एफसीएस सॉफ्टवेयर के अर्निंग पर शेयर रेशियो के बारे में, तो जिस प्रकार का कंपनी ने नेट लॉस डिक्लेयर किया है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर रेशियो हमें जीरो देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी बिल्कुल भी मुनाफे में नहीं है, बल्कि 5 करोड़ रुपए का कंपनी ने लॉस डिक्लेयर किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत ही ज्यादा डाउन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी ने लगभग 3 गुना लॉस यहां पर डिक्लेयर किया है। तो अगर कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करी जाए तो कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू तो हमें क्वार्टरली सेम ही देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी के एक्सपेंसिस यहां पर इंक्रीज हुए हैं। अब देख सकते हैं कंपनी को जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर लॉस बियर करना पड़ रहा है वो टैक्स एक्सपेंसेस यानी कि डेफर्ड टैक्स का यहाँ पर बियर करना पड़ रहा है, जो कि 4,44,00,000 रुपए का निकल कर आ रहा है। इसी के कारण कंपनी का जो लॉस है वो हमें 5,59,00,000 रुपए पर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो एफसीएस सॉफ्टवेयर लिमिटेड के अंदर आज के दिन आपको लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, पिछले एक महीने में इस शेयर में लगभग 30% से भी ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। 18 जनवरी के बाद से कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं और अब मंडे के दिन से भी अगेन आपको इसके अंदर बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो बात करें कि एफसीएस सॉफ्टवेयर के अंदर अब आपको क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलना है, सबसे पहले यहां पर फ्रेश पोजीशंस तो बिल्कुल भी नहीं बनानी है, और अगर ऑलरेडी आप पोजीशंस बनाकर बैठे हैं तो यहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, कंपनी फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है और ये पेनी शेयर्स आपको पूरी तरीके से बर्बाद भी कर सकता है, इसलिए आप यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप पेनी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो किसी फंडामेंटली स्ट्रांग पेनी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, लाइक ब्राइटकॉम ग्रुप्स लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, या फिर विकास लाइफ केयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, विकास इकोटेक के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए। ये कंपनियां प्रॉफिट मेकिंग भी है और इनके फाइनेंशियल नंबर्स भी काफी स्ट्रांग हमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं अनदर पेनी स्टॉक्स के बारे में, जिसका नाम है सूरत टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, जहां पर आज ही के दिन इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। सूरत टेक्सटाइल लिमिटेड ने भी लास्ट क्वार्टर में 3,75,00,000 रुपए का नेट लॉस डिक्लेयर किया था। अब बात करें कि इस क्वार्टर में कंपनी के किस प्रकार से फाइनेंशियल रिजल्ट निकल कर आए हैं, तो आइए जानते हैं। सारे फिगर्स यहां पर भी रुपीज इन लैक्स हैं, जिसमें सबसे पहले दिसंबर क्वार्टर का डाटा, देन लास्ट क्वार्टर का डाटा, देन लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री का डाटा आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल
इनकम के बारे में, तो कंपनी ने जो इनकम जनरेट करी है क्वार्टर थ्री में वो है 20 करोड़ रुपए की। जी हाँ दोस्तों, जो कि लास्ट क्वार्टर में हमें 34 करोड़ रुपए की देखने को मिल रही थी, यानी कि यहां पर भी कंपनी की जो इनकम है वो बहुत ज्यादा तेजी से डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कंपनी ने लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री में तो 444 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट करी थी। एफसीएस ऑफ के साथ साथ सूरत टेक्सटाइल के रिजल्ट भी हमें यहां पर वीक देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में, या यूं कहें कि लॉस फॉर द पीरियड के बारे में, तो यहां पर एक चीज हमें अच्छी देखने को मिल रही है कि लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी ने 3,75,00,000 रुपए का नेट लॉस डिक्लेयर किया था, वहीं सूरत टेक्सटाइल के अंदर हमें लॉस में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का लॉस घटकर 79,00,000 रुपए का रह गया है, जो कि हमें लास्ट क्वार्टर में 3,75,00,000 रुपए का देखने को मिल रहा था। यानी कि कंपनी की इनकम के अंदर तो हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी के टैक्स एक्सपेंसेस और साथ ही साथ अदर एक्सपेंसेस रिड्यूस होने के कारण कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पाई है और कंपनी के लॉस में काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, जिसके कारण अगर आप कंपनी का अर्निंग पर शेयर रेशियो भी देखेंगे तो वो भी हमें 0.17 से घटकर -0.17 से घटकर -0.04 देखने को मिल रहा है। तो सूरत टेक्सटाइल के अंदर जिस प्रकार के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, माफ करिएगा मैंने आपको इनकम में थोड़े से यहाँ पर नंबर्स करोड़ में जो बताए थे वो 1,34,00,000 लास्ट क्वार्टर में हमें इनकम देखने को मिली थी, और इस बार 1,19,00,000 रुपए देखने को मिल रही है। और अदर इनकम की बात करें तो 88,00,000 अदर इनकम कंपनी ने क्वार्टर थ्री के अंदर जनरेट करी है, जो कि लास्ट क्वार्टर में हमें 2,10,00,000 रुपए देखने को मिल रही थी। तो ओवरऑल जो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 3,44,00,000 रुपए की टोटल इनकम जनरेट करी थी, वो घटकर 2,07,00,000 रुपए रह गई है। तो ओवरऑल सूरत टेक्सटाइल के लॉस में काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इस शेयर्स के अंदर भी आपको बल्क इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर सूरत टेक्सटाइल का भी आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें कंटिन्यूसली लोअर सर्किट ही देखने को मिल रहे हैं। पिछले एक महीने में शेयर्स लगभग 38% तक गिरावट दे चुका है, और यहाँ पर भी आपको बल्क इन्वेस्टमेंट से बचना है। तो यदि आपने इन दोनों पेनी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अब आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने का मन बना सकते हैं। सूरत टेक्सटाइल को आप कैरी करते हुए चल सकते हैं, लेकिन एफसीएस सॉफ्टवेयर के फाइनेंशियल नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, जिस कारण से आप वहाँ पर तो प्रॉफिट बुकिंग कर ही सकते हैं। फ्रेश पोजिशंस के लिए मैं दोनों ही शेयर्स में आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। ऑलरेडी अगर आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं तो स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।